फेस्टिवल्स की तैयारी मैंने भी कर ली है और इस फेस्टिवल मैंने अपने लिए मंगाया है इंडो एरा का 2 कुर्ता। पहनने से पहले मैंने इसको वॉश किया है और वॉश करने के बाद ये कैसी निकली इसकी मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले कुर्ते को लेकर। प्राइस और मटेरियल मैं साइट में मेंशन कर दी हूँ। इसका दुपट्टा ऑर्गेन्जा का है और मीडियम हाइट वाला है, मतलब लेंथ तो ठीक है और चौड़ाई भी ठीक है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, 2.25 मीटर तो मुझे नहीं लग रही है। अब इसके बात करते हैं कुर्ते की। 3/4 इसका स्लीव्स है और सामने में फ्लावर का पैटर्न बना हुआ है जो गोल्डन और रेड कलर के धागे से बना हुआ है। बहुत ही अच्छा बैठा हुआ वर्क है। इसमें बारीक बारीक सीक्वेंस का भी काम है और जो इस सीक्वेंस का काम है ये इसके फ्लावर को और सुंदर बना देता है। बहुत ही सटल सा डिज़ाइन है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। पीछे बिल्कुल प्लेन है। इसका जो पैंट है ये भी कॉटन मटेरियल पे ही है और नीचे थोड़ा सा लेस का काम किया हुआ है जो बहुत ही सुंदर लगता है। पहनने के बाद बहुत ही एलिगेंट लुक इस लेस की वजह से आती है। साइड में एक पॉकेट है, सामने से प्लेन है और पीछे से इसकी इलास्टिक है और इलास्टिक भी अच्छी क्वालिटी की है जो काफ़ी स्ट्रेचेबल है। पैंट में भी इसमें इंडो एरा का टैग लगा हुआ है और इसमें मैंने साइज L मंगवाया है। और हाँ, कुर्ते में भी इंडो एरा का टैग लगा हुआ है। पहनने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा है ये भी आपको दिखा देती हूँ। पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, एकदम पार्टी वेयर कुर्ता है। कलर भी बहुत चटकदार लाल नहीं है, ब्लड रेड है जो हर एक कलर कॉम्बिनेशन पे बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका दुपट्टा बहुत ही स्लिपरी है, बिना आप पिनअप किए इस दुपट्टे का यूज़ नहीं कर सकते हैं और इसकी लेंथ उतनी ही है कि एक साइड दुपट्टे की तरह ही इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी कपड़ा काफ़ी कंफर्टेबल है, वॉश करने के बाद भी इसका कलर नहीं गया। मैंने इसे नमक पानी के घोल में डाल के रखा था तो बहुत ही हल्का सा कलर इसमें से निकला जो नए कपड़े में से निकलता है, बाकी इसका कलर बिल्कुल भी नहीं गया। नेट और लेस की वजह से पैंट का लुक और भी सुंदर हो जा रहा है। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही बेस्ट कुर्ता है। अब अपने सेकंड कुर्ते की बात कर लेते हैं, जिसका दुपट्टा बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब लगता है सिफोन का दुपट्टा है। लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है, दुपट्टे के साइड में लेस की डिटेलिंग की हुई है जिसे दुपट्टा बहुत ही सुंदर लगता है और ऑफ वाइट कलर का दुपट्टा है तो ये किसी और सलवार सूट के साथ भी इजीली इसका यूज़ हो सकता है। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये दुपट्टा है। अब देख लेते हैं इसके पैंट को। पीछे से इसमें इलास्टिक है, सामने से बिल्कुल प्लेन है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, साइड में सिंगल पॉकेट है, प्योर कॉटन का सी थ्रू कपड़ा है और पैंट के नीचे भी अच्छी तरह से लेस की डिटेलिंग की हुई है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पैंट भी ऑफ वाइट कलर का है तो इस तरह के पैंट का यूज़ आप दूसरे किसी भी सलवार सूट पे इजली कर सकते हैं। पीछे जो इलास्टिक है वो भी काफ़ी अच्छा मटेरियल है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है और इसके पैंट में भी इंडो एरा का टैग लगा हुआ है और इसमें मैंने साइज XL मंगवाया है। क्यों मंगवाया है ये आगे आपको पता चल जाएगा। बहुत ही सुंदर कुर्ता, एकदम डिजिटल प्रिंट के साथ किया हुआ। इसकी जो प्रिंट है वो इतनी खूबसूरत है, बड़ा बड़ा इसमें रोज़ बना हुआ है, एकदम लाइट कलर का पिंक का बना हुआ है, मैंडरिन कॉलर के साथ है और इसके कॉलर के साथ नीचे नेक तक लेस का डिटेलिंग है। फ्लावर के ऊपर छोटे छोटे सीक्वेंस हैं जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है और इसकी प्रिंट तो बहुत ही अच्छी है। वॉश करने के बाद इससे थोड़ा भी कलर नहीं गया, सेम प्रिंट स्लीव्स के ऊपर भी है और स्लीव्स पे भी लेस की डिटेलिंग की हुई है। कुर्ता के बैक साइड में भी सेम प्रिंट बना हुआ है, मतलब आगे पीछे दोनों तरफ से ये कुर्ता बहुत ही सुंदर है। अब इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये अस्तर वाला है और इसके अंदर जो अस्तर का यूज़ किया गया है वो थोड़ी सिंथेटिक टाइप है, मतलब कॉटन नहीं है। इस कुर्ते को पहनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ठंड के लिए तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट कुर्ता है, या फिर आप फुल एसी में कहीं जा रहे हैं तो उस टाइम के लिए अच्छा है, पर गर्मी के दिनों में यदि आप कुर्ता पहनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। ये अस्तर वाला कुर्ता था
और लिलेन का कपड़ा था, धोने के बाद कहीं श्रिंक ना कर जाए इसके लिए मैंने एक साइज बड़ा मंगवाया है। पहनने के बाद बहुत ही स्मार्ट लुक आता है। यदि आप किसी ऑफिस पार्टी में जा रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट कुर्ता है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये कुर्ता बहुत ही अच्छा है। सिर्फ एक इशू है कि अस्तर की वजह से इसमें गर्मी काफ़ी है और लिलेन का जो मटेरियल है वो कुछ प्योर लिलेन नहीं है, कुछ मिक्स लिलेन में है। यदि अस्तर और इस तरह के लिनन से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस कुर्ता को ले सकते हैं। उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है। आपको ये दोनों कुर्ता में से कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।